नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुश स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लंग सुप्त में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने के लिए वीडियो आपके पास लेकर के आए हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनका या तो टीबी का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है या फिर पहले हो चुका है, और ट्रीटमेंट होने के बाद या ट्रीटमेंट के दौरान उनके लंग्स फेफड़ों के अंदर किसी प्रकार के दाग या निशान रह गए हैं। अब ये लोग अक्सर हमारे से सोशल मीडिया के जरिए यूट्यूब पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिन्हें या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है या फिर जिन्हें फॉरेन कंट्री जाने के लिए, जैसे मिडल ईस्ट जाने के लिए, दुबई जाने के लिए, सऊदी जाने के लिए, कहीं पे भी जाने के लिए जब वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, तो क्योंकि इनके लंग्स में दाग है या फिर टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अक्सर ये लोग इस परेशानी में पड़ते हैं कि इनका वीज़ा या तो डिनाई हो जाता है या फिर उस पर रिजेक्शन आ जाता है, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए जब ये अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर इनको परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो अक्सर इन मरीजों ने हमसे पूछा है, तो क्या ये दाग जा सकते हैं? तो इसी का जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। एक और सवाल जो ये पूछते हैं कि किस तरह से ये फॉरेन कंट्री जा सकते हैं इन सब परेशानी के बावजूद, या फिर किस तरह से ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं या गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कभी कभी टीबी के केसेस में या फिर किसी पुराने इन्फेक्शन की वजह से लंग्स के ऊपर जो दाग रह जाते हैं वो इस तरह से होते हैं कि जैसे हमें चोट लगी और चोट के बाद, चोट तो ठीक हो गई लेकिन उसका निशान रह गया है। इसी तरह से लंग्स के अंदर भी हमारे किसी प्रकार के निशान रह जाते हैं, हालांकि मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुका है लेकिन फिर भी ये दाग रह जाते हैं। अब अक्सर इस तरह के मरीजों का जब भी कोई प्री मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे वीज़ा के लिए अप्लाई करते टाइम या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते टाइम या किसी भी और कंपनी में अप्लाई करते टाइम, तो एक्सरे में वो दाग नज़र आते हैं जिसकी वजह से इनका वहाँ पे रिजेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि इन दागों के लिए, क्योंकि ये सूखे हुए निशान हैं, इन दागों के लिए कोई स्पेसिफिक इलाज उपलब्ध नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप किसी प्रकार का इलाज करवाएंगे और ये दाग ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक मिथ है। ये जो दाग हैं ये सूखे हुए हील्ड दाग हैं, हील्ड लीजन्स हैं, ये ठीक नहीं होने वाले क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। पहली बात आपको ये समझने की ज़रूरत है। किसी किसी मरीज़ को इनमें से किसी प्रकार के सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे हल्का फुल्का कभी खून आना, कभी कभी किसी मरीज को सांस फूलता है या अत्यधिक मात्रा में बलगम आ सकता है। सिम्टम ज़रूर आ सकते हैं, पर इन सिम्टम्स का मतलब ये नहीं है कि इस पेशेंट को टीबी है। तो क्या करें जब ये दाग ठीक नहीं हो सकते? तो क्या हम हमारा ड्रीम छोड़ दें कि हमें फॉरेन कंट्री अब नहीं जा सकते या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, ज़रूर कुछ प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस इस पर लग जाती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो फिर भी आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कितना सक्सेस होगा कितना नहीं होगा, दैट इज़ वेरिएबल। वो कोई आपको गारंटेड क्लेम नहीं दे सकते हैं, ना ही इस वीडियो के ज़रिए मैं कोई ऐसा गारंटेड क्लेम दे रहा हूँ कि ऐसा ज़रूर पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन एक फिक्स प्रोटोकॉल से निकल करके हम ज़रूर इसकी कोशिश कर सकते हैं कि वापस से आप अपनी गवर्नमेंट जॉब ले सकें या वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। तो क्या है ये प्रोटोकॉल, ये जान लेते हैं। देखिए, जब आप ठीक हो चुके हैं तो आपको अपने कंसर्न स्पेशलिस्ट से, खास करके मैं चाहूँगा अगर आपको टीबी हुआ है या फिर आपके लंग्स में दाग है, तो आपको पल्मोनोलॉजिस्ट से आपके नियर बाय मिलना चाहिए। आपके जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं या जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, वो कुछ प्रकार के टेस्ट करवा सकते हैं जो कि आपके केस से रेलिवेंट टेस्ट होंगे। किसी किसी केस में एक्सरे चेस्ट हो गया या अल्ट्रासाउंड हो गया या सीटी स्कैन हो गया, कुछ केसेस में ब्रोंकोस्कोपी यानी कि दूरबीन की जाँच करके बलगम की टेस्टिंग करना। अब होता क्या है, जब हम ये वाले टेस्ट रन करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर केस, हम बेसिकली ये प्रूव करना चाहते हैं कि इस पेशेंट को अभी की डेट में कोई ट्यूबरकुलोसिस या एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। क्योंकि इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस नहीं है और एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, इसलिए ये पेशेंट एकदम फिट है अपनी जॉब के लिए और ये पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव है, यानी कि इस पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं है। तो इस पेशेंट के संपर्क में आने से, कॉन्टैक्ट में आने से किसी और इंसान को ये इन्फेक्शन होने का कोई खतरा नहीं है। जब इस प्रकार के टेस्ट कर लिए जाते हैं तो आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो आपको एक रिटर्न सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके अंदर ये मेंशन हो सकता है कि इस पेशेंट को ये बीमारी कुछ साल पहले या कुछ वक्त पहले हुई थी, लेकिन पूरी तरह से इलाज लेने के बाद बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी है
और आज की डेट में करंट टेस्टिंग में ये पेशेंट बिल्कुल नॉन इन्फेक्टिव है, ये पेशेंट को कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, ये पेशेंट जॉब के लिए बिल्कुल फिट है और इसकी वजह से किसी और इंसान को ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। इस तरह का सर्टिफिकेट जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन में या फिर गवर्नमेंट जॉब में या फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करते टाइम जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ जाते हैं। इस बात की कोई गारंटी मैं आपको अभी भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनको इस प्रोटोकॉल से निकल करके हमने सारी टेस्टिंग करा के सर्टिफाई किया है और उन लोगों को जॉब मिलने में, उन लोगों को वीज़ा मिलने में आसानी भी हुई है, लेकिन फिर भी ये सब डिपेंड करता है फाइनली जो भी मेडिकल बोर्ड वहाँ पर आपको फिटनेस चेक करने के लिए बैठा है तो उस वक्त वहाँ पर कितना इंसान आपकी रिपोर्ट्स देखना चाहता है, ठीक तरीके से समझना चाहता है, कितना अच्छे से वो आपके केस को समझता है। तो जब आप ऑलरेडी एक सर्टिफाइड हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है तो हमारी जानकारी में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये सब मेडिकल बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर से सर्टिफाई करवाएं, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, एक चांस अच्छा आपका बन जाता है कि आप वापस से अपने उसी ड्रीम जॉब के लिए या फिर अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद दिस प्रोटोकॉल एंड दिस सर्टिफिकेट, ताकि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएं। फिर से एक बार बोलूँगा कि इस प्रकार की कोई गारंटेड नहीं होता, इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन वहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड फाइनली डिसाइड करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरी कंट्री में, देश में, विदेश में बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप कंटेंट इसका पसंद कर रहे हैं, आपके काम की जानकारी है, तो प्लीज़ इसे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिए ताकि किसी की भी अगर इससे हेल्प हो सके जॉब मिलने में या फॉरेन कंट्री जा कर के जॉब करने में तो वो ज़रूर हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी प्रकार का वैल्यूएबल कॉन्टेंट आपके लिए और लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं डॉक्टर अंकुश, इजाज़त चाहूँगा आज के लिए।